अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, कैसे सब हुआ? उम्मीद है सब लोग ठीक ठाक और खैरियत होंगे। यार आज का जो हमारा रिव्यू है वो तुर्की के हवाले से है कि तुर्की का बहुत ही बुरा हाल लगा पड़ा है। तो आज मैं सब्सक्राइब करने का नहीं बोलूँगा, आज मैं लाइक करने का नहीं बोलूँगा, बस दुआ करने का बोलूँगा कि हमारे तुर्की के जितने भी मुसलमान हैं और जितने भी जो है लोग वहाँ पे अभी मुतासर है, जिनकी फैमिली अभी भी जो है ज़मीन के नीचे मटेरियल के नीचे दबी हुई है, उसके लिए दुआ करने को कहूँगा। तो आज जो मैं चीज़ें आपको दिखाने वाला हूँ वो उसको आप मिरेकल कह लें, खुदा का मौजज़ा कह लें, कि कैसे ही एक जिलजिले में बड़े बड़े इंसान दबके मर गए, छोटे छोटे बच्चे, औरतें, बूढ़े, बेचारी औरतें, कुछ औरतें ऐसी के बेचारियों का भी अभी तक कुछ पता ही नहीं है। तो उस दौरान कुछ बजीस हैं, कुछ जो है अपना परिंदे हैं जो मैं आपको दिखाऊंगा कि वो कैसे बच गए हैं। तो चलते हैं यार, आपको दिखाते हैं कि यार कैसे वो बच गए। तो दुआ ज़रूर कीजिएगा उन लोगों के लिए, और आप देखेंगे वो परिंदे बेचारे कितने उदास हैं अपने मालिक के लिए। तो उम्मीद करता हूँ आपको जो है मेरी वीडियो शेयर करनी है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग दुआ कर सकें हमारे तुर्की वालों के लिए, क्योंकि तुर्की वाले बेचारे बहुत परेशान हैं अभी। हमें सिर्फ उनकी दुआ के लिए जो है काम करना है। तो ये वीडियो शेयर करने का इसलिए बोला है ताकि आप शेयर करें, आगे पहुँचे लोग, उनके लिए दुआ कर सके। अब जैसे कि आप ये देखें, बॉक्स देखें, इसके अंदर एक फ़ीमेल है जो बच्चों के साथ बैठी है, कुछ भी नहीं हुआ, अंडे वहीं के वहीं पड़े, फीमेल वहीं की वहीं है, बच्चे वहीं के, पूरा उसका अगले बंदे का घर जो है वो बिल्कुल टूट के ख़त्म हो गया है, बस फीमेल अल्हम्दुलिल्लाह। एक कुदरत है खुदा की कि माशाल्लाह फ़ीमेल अंदर बिल्कुल परफेक्ट है। तो देखिए आप पीछे देख सकते हैं, कुछ भी नहीं है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। अब ये देखें, पिंजरा पूरा टेढ़ा मेढ़ा हो गया, पूरा दब के ख़त्म हो गया, पर परिंदा फिर भी ज़िंदा है। ये होता है खुदा की जो है एक किस्म की, अब कुदरत कह लें, करिश्मा कह लें, मिरेकल कह लें, कि ये खुदा का मिरेकल है। देखें जिसका भी था उसने टाइम करके रखा हुआ था बहुत ही खूबसूरत तरीके से। एक और वीडियो देखें आप, ये एक बंदे की एवरी है, फार्म है छोटा सा, जो बच गया है, बिल्डोज़र ने फ्लैट को गिरने से बचा दिया है। तो वो बंदा अपना सेटअप जो है वो साइड पर करता जा रहा है, वो अपने उसके पोर्शंस हैं वो साइड पर रखता जा रहा है, शिफ्ट हो गए हो रहे हैं। तुर्की ने तो ऐलान किया कि अभी कुछ टाइम उनको अपनी तरफ से जो है तैयब उर्दगान ने कहा कि मैं किराया भरूंगा उन लोगों का जिनके घर गए हैं, बाद में उनको घर भी मैं खुद ही अपने पैसों से बनवा के दूंगा। उसने अपनी पूरी प्रॉपर्टी सेल कर दी है। यार हुक्मरान हो तो ऐसे दुआ करें इनके लिए, बेचारे बहुत परेशान हैं इस वक्त, इनको हमारी दुआओं की ज़रूरत है। बहुत ही अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है, बहुत सारे परिंदे मुतासर हुए हैं, बहुत सारे आप देख सकते हैं। या जितना हो सके अपने दोस्तों तक शेयर करें ताकि वो लोग दुआएं करें कि यार इनकी परेशानियां ख़त्म हो जाएं, और अल्लाह हमारे मुल्क को भी ऐसी जो है अर्थक्वेक से बचाए, ऐसे जिलजिलों से, ऐसी वायरस से, ऐसी है जो है बीमारियों से बचाता रहे। अब आप देख लें, छोटा सा डफ है, उन्होंने बैंडेज भी की हुई है उसके पर को, और उसको वो हैंड फीड भी करा रहे हैं क्योंकि इस दौरान बर्ड्स बेचारे जो है घबरा जाते हैं और बेचारे स्ट्रेस में आ गए हैं। अभी आप ये बजी देख ले, ये भी फ्लैट के नीचे से निकला है, ये पिजन भी फ्लैट के नीचे से निकला है, ये भी डफ ही है, ये ब्लू, ये भी बेचारा। इस फीमेल को भी जो है आंटी ने बचा लिया माशाल्लाह। ये सारे जो है जिलजिले में जो है बचने वाले तोते हैं। कुछ तोते तो अपने मालिक के लिए उदास होके भी बैठे हैं कि हमारा मालिक कहें। एक बच्चा आप देख ले, इसने क्या काम किया, माशाल्लाह माशाल्लाह।